हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर जो वार्षिक पाठ योजना होती है, जिसे हम एनुअल लेसन प्लान के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो डायरी है, जो लेसन पैटर्न है, वो किस तरीके से बनता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी का नाम चंद्रभान सिंह है इसके अंदर, और विषय जो इसने अंग्रेजी ले रखी है, और इसमें प्रकरण का नाम लेट्स प्ले है, और यह है वार्षिक पाठ योजना बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के। हो सकता है कि आपके कॉलेज की डायरी से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है लुक में, दिखने में, मगर जो लेसन का पैटर्न होता है वो सेम टू सेम होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझोगे कि जो अंग्रेजी का लेसन है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। दोस्तों, पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो लेसन प्लान है वो कितने पेजेस का होता है। जैसे कि ये पहला पेज आपको दिख रहा है जिसमें एनुअल लेसन प्लान लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये पूरा इस तरीके से दो पेज, फिर तीन, चार, इसके बाद पाँच, छः, और लास्ट में एक होमवर्क। तो दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। आप अगर ध्यान से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, पहले पेज पर आपको लिखना है एनुअल लेसन प्लान किसी भी कलरफुल पेन से। फिर इसका जो दूसरा पेज होगा, यानी ऐसे पेज, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं एनुअल लेसन प्लान, टॉपिक डालना है, इसके बाद कंटेंट ऑफ द टॉपिक, जैसे कि मैंने प्रकरण लिया है लेट्स प्ले। इसके बाद ऐसी रंगीन शीट के ऊपर आपको जो है, जो गद्य पद्य या जो भी है उसका एक सेंटेंस, या फिर आप यूं कह सकते हो कि तीन से चार सेंटेंस, पूरा एक टॉपिक लिखना होता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे पेज के ऊपर आप देख सकते हो स्कूल नेम, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, टॉपिक, टाइम, ये आदि फिल करने के बाद यहाँ पर एक तरफ ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, दूसरी तरफ एक्सेप्टेड बिहेवियर चेंज, ठीक है, जिसमें आते हैं जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, यूज ऑफ नॉलेज, स्किल्स। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको सारे अक्षर अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ लिखना होता है मटेरियल एड, जिसके अंदर आप चौक, पॉइंटर, पिक्चर, डस्टर आदि लिख करके एक पिक्चर चिपकाते हैं हाथ से बनी हुई है, जिसके एक तरफ आपका वही सेंटेंस होता है जो आपने शुरू में लगाया था यहाँ इस जगह पर, जिसका नाम है कंटेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ भी लगाना है, साथ में हाथ से बनी हुई एक पिक्चर लगानी होती है जो उससे संबंधित हो। जैसे मैंने लेट्स प्ले लिखा है तो खेलते हुए बच्चे का, मैंने यहाँ पर खिलाड़ी का जो है मॉडल तैयार किया है। इसके बाद स्टूडेंट ऑफ एम, जिसके अंदर स्टूडेंट्स, टूडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक लेट्स प्ले, इस तरीके से आपको लिखना होता है। इसके जो नेक्स्ट पेज होता है वहाँ प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, लिखना ही होता है प्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको चार जो है खाने बनाने होते हैं, पहला जिसमें आप टीचिंग पॉइंट, दूसरा एक्टिविटीज़, तीसरा टीचिंग एड, और चौथा एवलुएशन यानी मूल्यांकन, जिसमें होता है देखो मॉडल रीडिंग हो गया, साइलेंट रीडिंग, और ये जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं। और इस तरीके से आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है द टीचर विल रीड द स्टोरी टू डेली विथ प्रपोज प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस ऑफ इंटोनेशन। इस तरीके से टीचिंग एड में जो इससे संबंधित पिक्चर लगानी होती है, दो पिक्चर आपको लगानी होती है, और यहाँ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, कठिन शब्द, उन्हीं का एक ब्लैक शीट के ऊपर इस तरीके से रंगीन पेन के माध्यम से लिखना होता है, और एवलुएशन में आपको तीन से चार या पांच प्रश्न बनाने होते हैं। इसके बाद अंत में, यानी लास्ट में, डायरी के अंत में आपको एक होमवर्क वाला क्वेश्चन देना होता है, जैसे कि मैंने दिया है व्हाट गेम्स डू यू प्ले, यानी आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। इस तरीके से ये पूरा आपका लेसन प्लान हो चुका है अंग्रेजी का। दोस्तों, लेसन प्लान के बाद आपको एक मॉडल भी तैयार करना होता है, जैसे कि ये मैंने किया है अपने हाथों से, हाथ से बनाए मॉडल लेट्स प्ले, जो मेरा अंग्रेजी का टॉपिक था, उसके ऊपर जैसे कि आप खिलाड़ी देख सकते हो, खेलते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे होंगे। इसमें कुछ खेलने के साधन हैं, यहाँ जिमनास्टिक, फुटबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, और कुछ पार्क में बच्चे खेलते हुए, इस तरीके से आपको मॉडल तैयार करना होता है। दोस्तों, फाइनल लेसन के अंदर अगर आप हाथ से मॉडल तैयार करके लेके जाते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलने के न सिर्फ चांस रहते हैं बल्कि आपको मिलते भी हैं, क्योंकि आपकी हाथों की मेहनत देखी जाती है वहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा। इस तरीके से दोस्तों, ये अंग्रेजी का मॉडल और लेसन दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आपको इनमें कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझना हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करने ना भूलें। थैंक यू।